नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार टॉप 10। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण के बदले बेटा भाजपा कैंडिडेट, पहलवान साक्षी मलिक बोली बेटा डमी। सत्ता ब्रिजभूषण के पास महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट भाजपा ने काट दिया है। राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय, राहुल के नाम से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा। रायबरेली से भाजपा ने दिनेश प्रताप को टिकट दिया। अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय है। मोदी बोले पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस का शहजादा प्रधानमंत्री बने। गुजरात में कहा यहां कांग्रेस मर रही तो वहां पाकिस्तान रो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने आनंद की जनसभा में कहा भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। रायबरेली से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया। 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, 6 साल पहले कांग्रेस छोड़ी थी। भाजपा ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। लालू की बेटी मीसा ने पीएम को बताया बूढ़ा, कहा मोदी 75 साल में तीसरा मौका मांग रहे। बीजेपी बोली ये है लालू परिवार के संस्कार। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने पीएम नरेंद्र मोदी को बूढ़ा कहा है। खड़गे का मोदी को लेटर, मैनिफेस्टो पर डिबेट की चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष बोले लोग आपको सांप्रदायिक भाषण देने वाले पीएम के रूप में याद करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार दूसरे गुरुवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। रामनिवास के बीजेपी में शामिल होने पर पटवारी का पलटवार। पीसीसी चीफ बोले चंबल की माटी कभी गद्दारों को पसंद नहीं करती। कांग्रेस के सीनियर लेटर और विजयपुर से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए। इंदौर में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए डॉक्टर अक्षय, कांति बम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुराने मामलों में उनको भले ही राहत मिल जाए लेकिन अब एक और मामला अदालत पहुंच गया है। मायावती ने तीसरी बार आजमगढ़ से टिकट बदला, मशहूद अहमद को उतारा। कैसरगंज गोंडा से ब्राह्मण चेहरे को टिकट, 6 प्रत्याशियों का ऐलान। बसपा की प्रत्याशियों की 11वीं लिस्ट आ गई है। आईपीएल 2024 का गणित, चेन्नई की प्लेऑफ उम्मीदें कम हुई। गायकवाड़ बने टॉप स्कोरर, आज क्वालिफाई कर सकती है राजस्थान रॉयल्स। इंडियन प्रीमियर लीग में 49 मैच खत्म हो चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार।